राम जी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और देखिए, मैंने आज हेयर वॉश किया हुआ है और अभी हो रहे हैं 11:30 Race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place here. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. You won't understand it. All alone, that's okay. People like it, stand man. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance. My last dance. I don't wanna let myself down, myself. आप लोग बने रहिएगा और मेरे वीडियो का कल का इंतजार करिएगा। अभी देखिए मैंने क्या मॉर्निंग में नाश्ता बनाया है, वो देखिए आप लोग। और अगर अच्छा लगे, आप लोगों को भी खिलाया है मैंने, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ बताइएगा कैसा बना हुआ है। और अपना फीडबैक मुझे दिया करिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। और प्लीज़ आप लोग मुझे, मेरे चैनल को आप सभी सपोर्ट करिए। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोग से अलविदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल का वीडियो का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करिएगा। बाय बाय। तो देखिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया है, उसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैंने डाल दिया है मूंगफली, सिंगदाना बोलते हैं मूंगफली। तो देखिए वो भी रोस्ट हो गया है। और फिर उसके बाद उसको निकालने के बाद मैंने डाला है राई। मेरे पास करी पत्ता वगैरह धनिया वनिया नहीं था, जो था मैंने कम इंग्रेडिएंट बनाया है, क्योंकि मुझे रोज़ बनाना पड़ता है, हफ्ता वाला नहीं है। जैसे दो चार दिन अब पोहा बन जाता है तो किसी दिन उपमा बन जाता है। मेरे ससुर जी उपमा बहुत कम पसंद करते हैं, तो इसके लिए मैं हमेशा नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ। सुबह नाश्ते अपनी बेटी के टिफ़िन में मैंने और हस्बैंड को मैंने उपमा बना कर दिया था। तो प्याज मेरी फ्राई हो गई है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, तो फिर मैंने डाल दिया है आलू। और दादी सास आ गई हैं तो फिर मैंने टमाटर नहीं डाला, क्योंकि वो टमाटर डालो तो बहुत मतलब चिल्लाती हैं कि गला जल रहा है, ये पता नहीं क्या उनको प्रॉब्लम है, क्या बोलती हैं समझ में भी नहीं आता कभी कभी, तो इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाला। फिर मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला, और डाल दिया है जितना भी आलू प्याज है ना उतना ही मैंने नमक डाला है, और बाकी नमक मैं पोहे में मिलाकर डालूंगी। तो देखिए मैंने मिक्स कर दिया। टमाटर वगैरह डालकर बनाइए ना तो और अच्छा सॉफ्ट भी बनता है पोहा, पर वो खाएंगी नहीं इसकी वजह से। और मैंने पोहे में देखिए धुल लिया है, नमक भी थोड़ा डाल दिया है पोहे के अनुसार। अब फिर मैं चेक कर ले रही हूँ कि मेरी आलू पकी है कि नहीं पकी है, तो पक्की गई है शायद मेरी आलू, तो फिर हाँ पक गई है। तो फिर मैंने पोहा डाल दिया है। अगर धनिया है आपके पास तो धनिया भी
डाल दीजिए ऊपर, इसी साइड टाइम धनिया भी डाल दीजिए। तो फिर मैंने मूंगफली भी मिक्स कर मैंने डाल दिया है। और मैं कुछ करने लगी तो मेरा थोड़ा मूंगफली ज़्यादा रोस्ट हो गया, अच्छा लग रहा था सोंधा सोंधा खाने में। और फिर उसके बाद इसमें अगर धनिया है तो धनिया डाल दीजिए, नींबू का रस है तो वो भी डाल दीजिए। तो मेरे पास धनिया भी नहीं था, नींबू का रस भी नहीं था, मैं थोड़ा सा मैंने शक्कर डाला है, ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा डाला है मैंने। और लास्ट में एक दो बार ढक ढक कर थोड़ा स्टीम पर पका लेंगे अच्छे से, पकाने से स्टीम पर ना ढक ढक कर तो अच्छा रहता है। और कल के वीडियो का मेरे करिएगा आप लोग इंतज़ार। देखिए मैंने थोड़ा शक्कर डाला था वो शायद स्किप हो गया है, फिर मैं पोहा को दे रही हूँ अपने सास ससुर को। और इस टाइम मैंने टाइमिंग तो बताया ही नहीं आप लोग को, इस टाइम हो रहे थे सुबह के 8:30। 8:30 बजे मैं नाश्ता मेरा बन चुका था, डन हो गया था, फिर मैं 8:30 बजे नाश्ता लगा रही हूँ। तो ये थोड़ा मेरे ससुर जी थोड़ा कम खाते, उससे थोड़ा कम वाला ससुर जी का है और ज़्यादा वाला मेरी सास का है। फिर ऊपर से मैं डाल दूँगी जो बारीक वाली सेव आती है वो मैं डाल रही हूँ। और फिर उसके बाद चम्मच लगाकर मैं उन लोग को दे दूँगी। तो आप लोग भी लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता कर लीजिए, मैं जा रही हूँ देने के लिए। और मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, मेरे सेकंड चैनल को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। लाइट बंद थी तो फिर मैंने लाइट जलाया और पेढ़ा रख कर अपने ससुर जी को मैंने दे दिया। और फिर इसके बाद मैंने रखा है चाय। तो इस बर्तन में एक बार सुबह चाय बना चुकी हूँ, तो दूध और पानी मैंने रखा। मैं बोली अरे थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ चाय का भी। तो फिर मैंने वो रखने के बाद फिर चाय पत्ती मैंने डाला, अदरक डाला, तो ये बिना शक्कर का मैंने निकाल लिया। फिर शक्कर डालूँगी मैं इसमें, बिना शक्कर का दादी सास को और ससुर जी को मैंने निकाला। फिर शक्कर वाला हो जाएगा तो मैं अपने लिए अपनी सास के लिए निकालूँगी चाय। तो आइए आप लोग भी गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। हाँ मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू।